जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। साथियों आज हम बात करने वाले हैं एक भर्ती के बारे में, जिसको साथियों इंडियन आर्मी की ओर से उसको मंजूरी दे दी गई है कि वो भर्ती होगी करके। साथियों आपने देखा होगा कि COVID-19 के चलते सभी पे एग्ज़ाम को और सभी रैलियों को पोस्टपोन कर दिया गया है कि कोई भी रैली या कोई भी भर्तियाँ नहीं होगी करके। बट साथियों इंडियन आर्मी की ओर से यह कंफर्म कर दिया गया है कि ये जो भर्ती है, मैं आपको बताऊंगा कि वो भर्ती कंफर्म है कि होने वाली है करके। साथियों उस भर्ती वो भर्ती पहले ही हो जानी थी, बट वो भर्ती का नोटिफिकेशन अब आया हुआ है तो वो भर्ती होगी, ये कंफर्म है। एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया गया है कि वो भर्ती होना है या नहीं होना करके। तो मैं आपको बता दूँ कि वो कौन सी भर्ती है। साथियों यहाँ पर आपको जो दिख रहा होगा बरेली की ARO बरेली आर्मी रिक्रूटिंग रैली एट राजपूत सेंटर फरुखाबाद फ्रॉम 7 जून टू 30 जून 2021। तो इस भर्ती के बारे में हम बात करने वाले साथियों। तो इस भर्ती को इंडियन आर्मी की ओर से मंजूरी दे दी गई है कि ये भर्ती होगी करके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहले इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि इसमें कौन कौन से ज़िले आने वाले हैं। साथियों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर दिया हुआ है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस बरेली आर्मी रिक्रूटिंग रैली एट राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2021-22 फ्रॉम द 7 जून 2021 टू 30 जून 2021। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो आपका बहुत सारे जो ज़िले दिए हुए हैं, 12-13 ज़िले दिए हुए हैं, मुझे आप पढ़ सकते हो यहाँ पर ये ज़िले दिए हुए हैं। ठीक है साथियों, यही ज़िले उधर भी दिए हुए हैं। मैं आपको बताऊँगा आपकी जो रैली है, यहाँ पर दिया हुआ ओपन फॉर्म 8 अप्रैल 2022 में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, मैं अब बताने वाला हूँ कि इसको कैसे मंजूरी दी है। एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के आधार पर आपको इसकी सूचना दी गई है कि ये भर्ती होगी या नहीं होगी करके। चलिए साथियों मैं आपको बता दूँ। साथियों जानकारी देने से पहले आपको कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे। तो साथियों ये जागरण का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हो ये 6 मई को इसमें ये खबर को इसमें एडवर्टाइज़ किया गया था कि आपकी जो भर्ती होना है या नहीं होना है करके। यहाँ पर फ्रंट में ही आपको दिया हुआ है इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग 2021 भारतीय सेना में विभिन्न पद पर निकली भर्तियाँ 22 मई तक करें आवेदन। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिया हुआ है, इस बॉक्स में आप पढ़िएगा, इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग 2021 रिक्वायरमेंट सेना भर्ती कार्यालय बरेली के प्रभारी, बरेली की बात हो रही है साथियों, भर्ती निर्देश और मेजर रोहित दाहिया ने बताया है कि बरेली में फर्रुखाबाद के अलावा जनपद बहराइच बलरामपुर बरेली बदायूं हरदोई लखीमपुर खीरी पीलीभीत संभल सहजापुर श्रावस्ती व सीतापुर के पात्र युवा भाग ले सकेंगे। मैंने आपको नोटिफिकेशन में अब दिखाया था, इतने ही ज़िलों की बात की गई है। ठीक है साथियों, तो ये भर्ती कंफर्म है आपकी होना है। अब आगे और सूचना देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर और दिया हुआ है कि युवाओं के लिए देश में देश सेवा का सुनहरा मौका है, फर्रुखाबाद और आसपास के 12 जनपदों के युवाओं को भारतीय सेना ने भर्ती आमंत्रण दिया है। सेना भर्ती कार्यालय बरेली की ओर से जारी पत्र के अनुसार अभ्यर्थी सेना भर्ती की वेबसाइट पर 22 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती रैली राजपूत रेजिमेंट सेंटर RRC में 7 से 30 जून तक चलेगी। उल्लेखनीय है कि विगत दिसंबर में कोरोना महामारी के चलते जिला अधिकारी ने रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। साथियों ये भर्ती आपकी जो बरेली की जो भर्ती है, बरेली की जो भर्ती है साथियों, पिछले साल लॉकडाउन लगा था, पिछले साल ही दिसंबर के माह में आपको देखने को मिलने वाली थी, बट वहाँ के जो अधिकारी है रोहिता सर जो है, उन्होंने इस भर्ती को मंजूरी नहीं दी COVID-19 के चलते कि ये भर्ती नहीं होगी करके, तो इसको मंजूरी नहीं दी गई थी। तो अभी इस भर्ती को कराए जाने की मांग हो रही है, इस भर्ती को अभी कराए जाने की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ साफ साफ स्पष्ट दिया हुआ है कि विगत दिसंबर में कोरोना महामारी के चलते जिलाधिकारी ने इस रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। ठीक है साथियों, तो इस भर्ती को अभी मंजूरी दे दी गई है कि इस ये भर्ती होगी करके। आगे और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सेना भर्ती कार्यालय बरेली के प्रभारी भर्ती निर्देशक मेजर रोहित दाहिया ने बताया है कि रैली में फर्रुखाबाद के अलावा जनपद बहराइच बलरामपुर बरेली बदायूं हरदोई लखीमपुर खीरी पीलीभीत संभल सहजादपुर श्रावस्ती व सीतापुर के पात्र युवा भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया है कि भर्ती रैली का आयोजन RRC फतेहगढ़ में
7 से 30 जून तक होगा। अभ्यर्थी 22 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत अभ्यर्थियों को 23 मई को ईमेल पर प्रवेश पत्र भेज दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की दी गई तिथि व स्थान पर रिपोर्ट करना होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको बता भी दिया गया कि आपका एडमिट कार्ड जो है ईमेल के माध्यम से आपके पास पहुँचा दिया जाएगा। तो साथियों, यदि कोई भी यदि इसकी डेट ये चेंज होती है या फिर ये भर्ती को स्थगित किया जाता है या पोस्टपोन किया जाता है तो इसकी न्यू डेट जारी की जाएगी। बाकी दोस्तों, इसमें कराए जाने की मांग है, ये न्यूज़पेपर कल का है दोस्तों। मैं आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ, 6 मई का न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हो। इस पर साफ साफ दिया हुआ है कि बरेली की जो भर्ती होगी करके। साथियों, कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इस भर्ती को निकाला गया है। तो इसकी पूरी सावधानी से ही आप इस भर्ती में जाइएगा। आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है। ठीक है साथियों, यदि कुछ ज़्यादा ही कोविड-19 केसेस बढ़ते हैं वहाँ पे भी बरेली की भर्तियों में, उत्तर प्रदेश की जो भर्ती होना है उसमें, तो साथियों इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है। अभी वहाँ के केसेस को देखकर इस भर्ती को मंजूरी दे दी गई कि ये भर्ती होगी करके। अगर साथियों वहाँ पर भर्ती के जहाँ पे होना, वहाँ यदि कोविड-19 केसेस देखने को मिलेंगे तो इस भर्ती को भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बाकी अभी इसकी कोई ऐसी डेट नहीं आई हो कि भर्ती पोस्टपोन होगी या नहीं होगी करके, अभी यही बताया जा रहा है कि भर्ती होगी करके। तो साथियों, मैंने जितने ज़िले के नाम बताए उन सभी ज़िले वाले अच्छे से तैयारियाँ करिए और एक्सीलेंट मारिए और आर्मी में सिलेक्शन लीजिए, बेस्ट ऑफ लक। तो साथियों, आई होप कि आपके वीडियो पसंद आई हो। अभी जो भी डाउट होता था आप कॉमेंट कर सकते हो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इंडियन आर्मी की भर्तियाँ जो भी होती है उसकी वीडियो लेकर आते रहता हूँ और पेपर भी लेकर आते रहता हूँ। तो आपके लिए, यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।